दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी मूवीज के बारे में जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर हिट गई। नंबर 3 2020 में रिलीज हुई थप्पड़ मूवी। मूवी की कहानी ये है, भरी पार्टी में एक आदमी सबके सामने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है। वो थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर जाकर लगता है जिससे वो डिवोर्स फाइल कर देती है। 21 करोड़ के बजट वाली इस मूवी का कलेक्शन लगभग 43 करोड़ का था लेकिन इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिली। नंबर 2 2018 में रिलीज हुई हॉरर मूवी तुम्बाड़, जिसमें खजाने के लालच में एक बच्चा अपने पिता को खो देता है। दोस्तों थिएटर में रिलीज होने पर इस मूवी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली लेकिन ओटीटी पर रिलीज होने पर इसने तो तहलका ही मचा दिया। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 2019 में रिलीज हुई सोन चिड़िया। इस मूवी में डाकुओं के बारे में बताया गया है जिसमें वो एक घर को लूटने जाते हैं और अपने ही दोस्त की गलती की वजह से वो पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मूवी 12 करोड़ के लॉस के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई थी लेकिन ओटीटी पर IMDb की 8.2 की रेटिंग के साथ इसको बहुत प्यार मिला। दोस्तों आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है ये हमें कमेंट में बताओ।